मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। आज सारी बातों के जितने भी यूट्यूबर पता नहीं कितने वीडियो बनाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में गोट फार्मिंग को दे रहे हैं लोग, लेकिन किसी ने, मैं दो पॉइंट की बात बता दूं, आज शोक उसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यार एक एनिमल्स बिक रहा है 20,000 रुपए का, एक एनिमल्स बिक रहा है 50,000 रुपए का, तो उसकी तुलना आज मैं बहुत कठोर शब्दों में कर रहा हूँ। कुत्ता होता है गली में घूमने वाला, वो भी तो कुत्ता ही है, क्या उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है ना, नहीं है ना। और BMW में, लैंड रोवर जगुआर में भी चलने वाला ही कुत्ता है ना, ये शौक है, इसको शौक कहेंगे। फार्मिंग है ये, फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग एक ब्रीड हो गया, मतलब ये ब्रीड कंसेप्ट है और इसको आपको एज ए बिजनेस लेना है, बिजनेस लेना है सर। इसको शौक के तौर पे ना देखें आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिकराज ब्लॉग में। दोस्तों आज हम हैं सुकांत जी चावला के पास में और यहाँ हम फार्म का टूर करेंगे, विजिट करेंगे इनके फार्म का, और काफ़ी अच्छा फार्म है। और इस फार्म पे आने के बाद में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो सीखने के लिए मिलती हैं। पहले भी हम शूट कर चुके हैं पर काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है ये फार्म। और लोंग सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और पुखरा जी कैसे सर, आपका हमारे चैनल पे, आपका भी और आपके तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से फिर हमारा एक बार जय हिंद है। आपके व्यूअर्स काफ़ी दिनों के बाद जय हिंद शब्द सुन रहे हैं। जय हिंद जय किसान है, नारा कह दिया लोगों ने, जय जवान जय किसान, लेकिन एक्चुअल हम जवान की और किसान की इज्जत कितनी करते हैं वो अब देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। किसानों की बातें सब करना आसान है, किसानों को बढ़ा कौन रहा है जी जी, वो देखें। तो सर जी जैसे शुरुआत हमने करी थी जंगलों से। हाँ जंगलों से हमने काफी अच्छा जो टूर किया था, एक सक्सेस टूर हमने किया था, उसके अंदर हमने काफी कुछ चीजें हमारे व्यूअर्स को बताई थी। आने वाले समय में और भी बताएंगे, काफी नॉलेज अभी बहुत बाकी है। जंगल में जो बकरी चरती है बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है नेचुरल फीड चरती है, राइट, ये तो पहला तथ्य है। लेकिन अब मान लीजिए लोगों को घरों पे बकरी पालनी है, पुखरा जी सिंपल सी बात है, भरी पालेंगे भाई बकरी घर पे पालेंगे, और हर व्यक्ति के पास जंगल भी नहीं है तो, लेकिन हमारे पास कुदरत के दिए हुए कुछ ऐसे जो हमारे पास फीड हैं जो वेरी नेचुरल हैं आज भी, जैसे हमारी खेजड़ी है, लौंग पत्ती, वो प्योर नेचुरल है बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं हो सकती बिल्कुल। तो पहले फीड पे तो आप ये ध्यान दें, ठीक है। इसका जो आपका जो वीडियो जाएगा वो पहला तो सही बकरी पालन जी जी, सही फीड मैनेजमेंट, सही सीड मैनेजमेंट और सही ब्रीड मैनेजमेंट जी जी। और धीरे 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 आप जब आए थे क्या आपको ये लगे हुए थे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थे ना, ना कुछ नहीं, भी था ना था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी चेंज होती है, एक्चुअल क्या होता है कि इन्हीं पे कमाया हुआ इन्हीं को देना है, ये पॉइंट हुआ। ऐसे कुछ जो है ना अभी वॉकिंग वीडियो में, जैसे आपको सही क्या नॉलेज है, ऐसा नहीं होता कि सभी जगह हम भी सही हूँ, आपके पास तमाम तरह की जो नॉलेज आती है लोगों से जी जी सर, तो वो भी आपको शेयर करो जी बिल्कुल। और ज्ञान कितना है, किसके पास क्या है और आपको कितना मिल रहा है और आप उसको कितना बांट रहे हैं, तो ये भी बांटना ही है ठीक है। तो माँ के पेट में तो कोई सीख के नहीं आया ना। तो अभी सर हम आपका पहले जो फार्म है उसका टूर करेंगे और एक तुलना हो जाएगी पहले के फार्म में और अभी के फार्म में, तो अभी कितना है सर आपके पास में जो गोट है ये कितने? ये 300+ चल रहा सर, 300+ अभी। अच्छा पहले कितना था शुरुआत में, जैसे हमने करा था कितना था शुरुआत में? हमने तो शुरुआत एक बकरी से करी थी, नहीं यहाँ इसी फार्म पे, इसी फार्म पे जब आए थे हम उस टाइम 80 थे, 80 थे हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। 80 पर इसमें जो क्वालिटी दिख रही है सर, एक वैरायटी जो देखने वो काफ़ी चेंजेज हो गई, सेक्शन टू सेक्शन चेंज हुआ। तो आपने जैसे ये चेंज करी था, इसमें क्या? पहले हम जैसे सोजत पे काम करते नहीं थे, अब हम सोजत पे आए हैं, जैसे ये सोजत है आपके सामने, हमारे पास कोटा क्रोली का भी एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं, देखो ये कोटा क्रोली का एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं, इसी के साथ हम तोतापुरी का एक्सपेरिमेंट भी लोगों के साथ ले रहे हैं, तोतापुरी का भी है मेवाती, राइट, सारा मतलब वैरायटी आपने रखी है। हाँ भी देखिए आप किसी ब्रीड की तुलना उस ब्रीड से तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद ना पालें,
आप दूसरों को बुरा कैसे कह सकते हैं, और क्या आपको हक है बुरा कहने का? राइट, सोजत में हमें कोई कमी नजर आई नहीं, हमने इसको सिरोही के बराबर लिया है और ये अच्छा। प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये 95 केजी प्लस, चार दांत क्राइटेरिया इसका, और अब्दुल इसका नाम, और बड़े प्यार से आता है, और उधर वाले सारे ठीक है। ये चार दांत का है, ये 75 केजी क्राइटेरिया है, ये भी काफी शानदार ठीक है। ये अंडू है, अंडू में 70 केजी है, हाँ मेवाती बोले इसको, तोता हाँ, ये चार दांत, लेकिन इसको तोतापुरी से तुलना ना करिए, ये मेवाती ब्रीड है। अच्छा, मेवाती हाँ, मेवाती भी तोतापुरी से निकले, लेकिन उसका थोड़ा सा जगह चेंज होने से वहाँ के लोगों ने इसको अलग पाला। अच्छा। थोड़ा सा लाइट उसका कलर आता है, उसका जो पंच है वो तोतापुरी से हल्का डाउन होता है, तो दैट द नेम ऑफ मेवाती। तो ऐसे करके काफी ब्रीड के नाम ऐसे, आज भी लोगों को ये पता नहीं है कि इसको मेवाती क्यों कहा गया, ठीक है। अब जैसे गुजरी है, तो मैं गुजरी की वैरायटी भी आज कई लोगों को दिखा दूंगा, पीली गुजरी क्या चीज है, एक्चुअल गुजरी क्या चीज है, मक्खी चीना गुजरी, ऐसे कई ब्रीड अपने आप में जन्म लेती है ना। तो आपका जानवर कितना दिल खुश होके कोई व्यक्ति खरीदता है, और दिल खुश होके आप उसको कितना बेच रहे हैं, और तब जाके कहीं प्रॉफिट गेन होता है, तब कहीं जाके आपकी सक्सेस गोट फार्मिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो क्राइटेरिया है वो उसका पालन करें, उस अपन जो पाना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है पुखरा जी, समय परिवर्तनशील है जी, बिल्कुल नो डाउट, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, ये नो डाउट, लेकिन आपको ब्रीड की तुलना ये तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपके मैनेजमेंट कैसा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपकी दिशा सही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ, आज सारी बातों के जितने भी यूट्यूबर पता नहीं कितने वीडियो बनाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में गोट फार्मिंग को दे रहे हैं लोग, लेकिन किसी ने, मैं दो पॉइंट की बात बता दूं आज, सही दिशा प्लस में सही मेहनत इज इक्वल टू सफलता। इसमें से एक भी चीज गलत है, आप एडी से चोटी तक का जोर लगा लेना, कुछ भी हाथ नहीं आना। अच्छा, आपकी दिशा सही नहीं है, आपको जाना दिल्ली है, आप बैठ गए बॉम्बे वाली ट्रेन में, जख मार के कभी दिल्ली नहीं आएगी। अच्छा, कुछ पॉइंट बता सकते हो सर, जैसे आप बता रहे सही दिशा वाले, तो कुछ एक पॉइंट बता सकते हो ताकि जो हमारे व्यूअर्स उनको सही, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ब्रीडर का ही चुनाव होता है। अच्छा, ये ब्रीडर है ना बकरा जी, भाई ये हमारा मान लीजिए 50,000 का खरीद रहा, या 60,000 का खरीद रहा, 70,000 का खरीद रहा, ये ब्रीडिंग फेल है। आपका इतना भी लगाव नहीं होना चाहिए किसी पशु से कि आप उसको पूंछ पकड़ लो, नहीं है। दूसरा, मैं आज कई लोग कहते हैं कि हम शौक के लिए बकरी पालन में आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है शौक, लेकिन भाई साहब शौक तब तक है जब तक वो केवल शौक है, और जब वो बेशौक बन जाए तो फिर आपको क्या लगेगा, बेशौक कैसे, मान लीजिए शौक है ठीक है, ये आपको रिटर्न नहीं देता है तो आप कब तक फार्म चलाओगे, कब तक चलाओगे, आखिर एक दिन बाइंड अप होगा, वो बेशौक में बदल गया कि नहीं बदल गया। ये कड़वी बातें हैं लेकिन लोग नहीं मानते। शौक उसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि यार एक एनिमल्स बिक रहा है 20,000 रुपए का, एक एनिमल्स बिक रहा है 50,000 रुपए का, तो उसकी तुलना आज मैं बहुत कठोर शब्दों में कर रहा हूं, कुत्ता होता है गली में घूमने वाला, वो भी तो कुत्ता ही है, क्या उसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है ना, नहीं है ना। और BMW में, लैंड रोवर जगुआर में भी चलने वाला ही कुत्ता है ना, ये शौक है, इसको शौक कहेंगे, फार्मिंग है ये, फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग एक ब्रीड हो गया, मतलब ये ब्रीड कंसेप्ट है, और इसको आपको एज ए बिजनेस लेना है, बिजनेस लेना है, इसको शौक के तौर पे ना देखें आप, शौक के तौर पे आप इसको ब्रीड के ऊपर कितना अच्छा वर्क करते हैं, कितनी इसके अंदर ब्यूटी पैदा करते हैं, कितना अच्छा आप इसको पालते हैं, और कितनी आप दिल लगा के मेहनत करते हैं, ये शौक है। बहुत अच्छी, वरना किसी जानवर को बेरहम करना, किसी के साथ में आपको गलत व्यवहार करना, ये आपका धर्म आपको इजाजत देता ही नहीं है, मानवता धर्म में ये बिल्कुल गलत है।